हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ अभी। आज हमारा झारखंड सीरीज़ का डे टू है और जैसा कि लास्ट ब्लॉग में हम लोगों ने बोकारो डिस्ट्रिक्ट के टेनूघाट डैम को एक्सप्लोर किया था और आज हम लोग जा रहे हैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पतरातु वैली और पतरातु डैम को एक्सप्लोर करने। वहाँ भी एक डैम है अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी एक डैम दिखाएंगे। और वेदर तो थोड़ा क्लाउडी है, थोड़ा रेनी टाइप का है, तो कोशिश करेंगे यहाँ भी हम लोग ड्रोन उड़ा सकें, क्योंकि जो पतरातु वैली है वो ड्रोन व्यू के लिए काफ़ी मतलब फेमस है। जो रोड्स हैं वो रिंग साइज के हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा ड्रोन से। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो आज हमारा झारखंड सीरीज़ का डे टू है, तो चलते हैं गाइस, कीप वॉचिंग। अभी पतरातु वैली के सबसे टॉप पॉइंट पे हैं हम लोग। और पतरातु वैली जो कि जाना जाता है अपने ग्रीनरी के लिए, जिग जॉग रोड के लिए, आप देख सकते हैं इस एंड जेट सिप का रोड सेप आता है। और रांची से ये 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये वैली। काफ़ी अच्छा है व्यू, जो कि डैम का रिजर्वायर है वहाँ का भी शॉट्स होगा, पतरातु डैम और वैली। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कुछ आपके कमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स या मेल के थ्रू काइंडली सजेस्ट करते रहिए, ताकि कुछ चेंजेस हो तो हम लोग वो अपने अपकमिंग ब्लॉग में ला सकें। तो चलते हैं यहाँ से अब सीधा हम लोग डैम की तरफ, पतरातु डैम की तरफ। काफ़ी एक्सप्लोर हो गया है वैली का, तो अब यहाँ से सीधा हम लोग चलते हैं वैली की तरफ। वैली के नीचे जाते हैं जहाँ पे डैम है हमारा। कोशिश करेंगे अगर बोटिंग हो रहा हो तो बोटिंग का भी ये करते हैं, इंजॉय कराया जाए, बोटिंग भी किया जाए। और रवि भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत सुंदर जगह है और नेचर का यहाँ तो लगता है कि भगवान ने कूट कूट कर भर दिया है और बहुत अच्छा वाइब है यहाँ। और मौसम भी बहुत आज सुहाना हो रखा है, जिससे कि और भी मज़ा आया। और बहुत सुंदर जगह है, कभी आइए आप रांची या बरकाकाना की तरफ तो यहाँ ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। और रवि भाई स्पेशली ट्रैवल करके आए हैं ये पतरातु वैली को, और जो हमारे लास्ट ब्लॉग में था टेनूघाट डैम जो एक्सप्लोर किया, स्पेशली रवि भाई बिहार से ट्रैवल करके आए हैं, पटना से, हाजीपुर से, कि नहीं मेरे को ये पतरातु वैली देखने का है। बिल्कुल, तो रवि भाई को भी मज़ा आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगेगा ये ब्लॉग।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल. रवि भाई का चैनल है रॉबिन राइडर, तो इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए. अभी हम लोग हैं पतरातू लेक रिसोर्ट के पास और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए. सो कीप वॉचिंग. क्या आप लोग इतने ही टाइम में थक गए? थके नहीं है भाई, थके नहीं है. थोड़ा सा व्यू का आनंद ले रहे हैं आप. व्यू पीछे दिखाइए, हम लोग क्या देख रहे हैं व्यूअर्स को दिखाइए. बिल्कुल बिल्कुल. भैया जी, यहाँ पे बोट का क्या मतलब प्राइस है और किस किस तरह से ये हो? छः आदमी एक बोट का परमिटेड है. अगर आप दो आदमी भी जाएंगे तो भी 750 लगेगा और छः आदमी जाएंगे तो भी 750 लगेगा. इतना महंगा भैया जी? बिल्कुल महंगा है भाई, महंगा ही बढ़ गई है. ठीक है, और आटे चावल का अभाव पता है आपको? हाँ, देखिए ये जो भैया जी हैं, जो बैकग्राउंड में देखें, ये फेक भैया जी हैं, ओरिजिनल भैया जो कि टिकट दे रहे हैं, ये देख लीजिए. और ये रहा टिकट, ये रहा टिकट. और ये जो बैठे हैं ये भैया जी, 750 रुपया से कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं पीजिए, पेट टूट जाएगा. गाइस, सच में यहाँ टिकट का जो दाम है 750 रुपया पर पर्सन है. अगर आप इस बोट का मजा लेना चाहते हो तो 750 रुपया आपको पे करना होगा. और मेरे ख्याल से 750 रुपया कोई मांगा नहीं है, 750 रुपये मतलब इन खूबसूरती को देख मतलब देखने के लिए 750 रुपया रिजनेबल रेट है. क्या है मैंने भैया? एकदम सही है. और देखिए 750 में मतलब रिजनेबल रेट है. अभी पर्सनल आपको एक बोट मिल गया और फिर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा. देखिए यहाँ पर अगर आप बच्चों के साथ आते हैं, बच्चे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, हॉर्स राइडिंग भी है. और देखिए कितना सारा शिकारा लगा हुआ है, शिकारा लगे हुए हैं. घूमने के लिए एक अच्छा मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन रेट है. और अच्छा किया जा सकता है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा. नहीं, धीरे धीरे तो कंस्ट्रक्टेड ये बहुत ही डेवलप कर चुका है. इससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ, उस टाइम तो यहाँ मतलब लगभग कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. लेकिन ये 2-3 साल के अंदर इतना डेवलप होकर के. मैंने भैया चलिए बोटिंग किया जा रही है भाई.
राहुल भैया डर तो नहीं लग रहा है? डर तो भाई लग रहा है, लाइफ में डरने का नहीं, वैसे डर के आगे जीत भी है बिल्कुल। और सबसे बड़ी कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। और जो हमारे बोर्ड जो राइड कर रहे थे भैया, मतलब काफी एक्स्ट्रा स्टंट किया क्या राहुल भाई? सिर्फ उनको इतना बोलना था कि भाई थोड़ा स्टंट कर देना, उन्होंने तो पूरा दिल ही जीत लिया यार। चलिए ओवरऑल यहाँ आने का पैसा वसूल हो गया एक नंबर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे राइड करने का। फिर मिलते हैं।